अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, ईद का है यारो ये पया। ईद का रोज मुबारक जी, आज भी आपको मुबारकबाद दे रही हूँ। देखिए जी, क्योंकि साथ साथ बादामी वॉल्स का मजा 2-in-1 जो है, क्या बात है। हमने अभी यहाँ पर ट्राई भी किया, आप लोग भी जब खाएंगे तो आप लोग वाकई कहेंगे कि इट्स समथिंग रियली डिफरेंट। जो फ्यूजन इनका जो मिक्स इन्होंने किया ना, बादामी फ्लेवर विद बादाम के जो पीसेस मुंह में आ रहे होते हैं और साथ में स्ट्रॉबेरी का जो पल्प है, ओहो हो क्या बात है। और आज हमने भी एंटरटेनमेंट के जो यूथ के फ्लेवर हैं वो हमने हमारे सेट पे सारे इकट्ठा किए हुए हैं, जमा किए हुए हैं। सबका एक फ्लेवर है, सबकी एक अपनी बात है, सोच है, सोच बैंड की अपनी सोच है और लोगों की अपनी सोच है। तो अभी यूथ के ऊपर तो हमने बहुत सारी बात कर ली है, क्योंकि नौजवान नस्ल किस तरह से ईद मनाती है और किस तरह से ईद को सेलिब्रेट करती है वो आपको पता लग गया है। जी, आपके बारे में ज़रा कुछ बताना चाहूँगी, बल्कि आप खुद ना बताएं लोगों को कि अभी आपने हमारे लिए जो सरप्राइज़ रखा हुआ है कि आपकी जो सरप्राइज़ बाहर है, ज़रा कि चीज़ों को एलैबोरेट कर दीजिए। उसमें फिर ऐसे कि आज हमने थोड़ा ईद देसी पकवान होते हैं हमारे घरों में जी, तो मैं थोड़ा चेंज किया है। आज मैंने थाई फूड आपको दे रहा हूँ, थाई है, फ्राइड प्रॉन्स है, फिश है, इसके अलावा कॉन्टिनेंटल हम आपको स्टेक भी दे रहे हैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा डिफरेंट पकवान, यू नो रमज़ान ख़त्म हुआ है तो आज ईद का दिन है, तो लाइट हल्की गिजा वो बेहतर है हम सबके लिए, और स्पेशल आपकी मॉडल्स के लिए। बिल्कुल, तालियां होनी चाहिए क्योंकि आज इनकी तरफ से एक जबरदस्त डिनर या लंच जो है वो हमें मिल रहा है, और डिनर भी हम आपसे लेंगे। आप ये भूल जाए, हमने आपके घर आना सारे के सारे मिलके, तो दोनों चीजें आपकी जो है वो हो गई। अच्छा, सुना है कि जो आपके घर पे है खाना वो भी बहुत डिफरेंट पकता है। खाना हमारे घर पे ज्यादातर मैं थाई फूड खाता हूँ, थाई और जापानीज खाता हूँ, पाकिस्तानी हम लोग रूटीन में इतना हम लोग पकवान होता है, कैटरिंग का काम है, तो हम लोग देगी खाने से मतलब तंग आ चुके। क्या बात है। अच्छा, पहले आप लोग किसी और नाम से काम करते थे? पहले मैं एसजी के नाम से काम करता था, एसजी इवेंट्स, सलमान गौर इवेंट्स, उसी एसजी के इवेंट्स, मतलब एसजी इवेंट ने काम किया था, सानियन शुएब की शादी जो हुई थी जी, वो भी हमने अरेंज की थी। देन फिर अपनी कैटरिंग स्टार्ट की, बहुत बड़ा इवेंट था आपका जी, बहुत इवेंट था, नॉर्थ ईस्ट में हुआ था, और उसके बाद फिर मैं अपनी कैटरिंग स्टार्ट की, तो कैटरिंग हमने नाम रखा ईस्टर्न कैटरर्स। अच्छा, और अब इसी को आप रन कर रहे हैं तरीके से, तो वो जो एसजी है उसको माइनस कर दिया? नहीं, एसजी तो है, सलमान वाली तो है, वो साथ चलेगा, वो रहेगा। अच्छा, आप इसी स्टाइल को प्रेफर करते हैं जो बहुत जिस तरह से आपने लगाया हुआ ईस्टर्न भी है, क्योंकि आपने रखा है अपने ब्रांड का नाम भी, तो ईस्टर्न लुक हमेशा प्रेफर करते हैं या फिर वेस्टर्नाइज भी चीज़ों को बहुत ज़्यादा? वेस्टर्नाइज भी होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि क्लाइंट की क्या डिमांड है। आजकल क्लाइंट हमारा बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत समझ आ चुकी है, लोगों के पास आइडियाज़ खुद देते हैं हम लोगों को कि हमें ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए। ऑब्वियसली जब जो लोग अपना कस्टमाइज करते हैं तो थोड़ा उनके बजट भी हाई होता है, और फिर आप हमारे जो डिज़ाइनर उनके जो ड्रेस हम देखते हैं वो लोग कलर मैचिंग करते हैं बहुत स्पेशल मेहंदियों पे। और लास्ट ईयर तो ऐसा भी हुआ है स्पेशल, आप सुनिएगा सर, एक मेहंदी सर, क्योंकि हमारे पास दिन में 5-8 काम हो चल रहे होते हैं, मेरे पास रूटीन में काम है, मैं इवेंट मैनेजर प्लस केटर भी हूँ। अब एक दुल्हन की हमने फंक्शन बुक किया और उसकी थीम थी ऑरेंज एंड पर्पल। अब उस दिन जब मेहंदी वाले दिन मैं वो भूल चुका, ऑरेंज तो था, पर्पल कहीं नहीं था। उसका फ़ोन आया, सलमान भाई वो ऑरेंज एंड पर्पल कर रहे हैं, मैंने अपने बंदे से पूछा कि पर्पल, उसने कहा सर पर्पल तो मुक गया सर, बोलता कोई चीज़ नहीं पर्पल ना। फिर शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ने इतनी हमें सलाहियत दी है, मैं उसको कन्विंस किया, मैं कहा यार मैंने पर्पल नहीं मेहंदी है तो ऑरेंज एंड येलो करते हैं, तो मान गए, शुक्र अल्लाह ने इज्जत रखी। तो ऐसा होता है हमारे साथ अक्सर, ऐसा हो जाता है। तो वैसे आपका काम बड़ा अच्छा है, और आज आपकी कैटरिंग भी जो है वो हम ट्राई करेंगे, खाना आपका प्रॉपर देखेंगे। आज आपको हम गजीबो में हमने कम ने जिया, गजीबो लगाए हमने बार बार ऑफ वाइट गजीबो, इसमें आपको लंच देंगे सबको। मैं बल्कि सबसे कहूंगी कि जिस जिस लोगों की शादियां हो रही हैं अब ईद के बाद, जिन जिन लोगों के ब्याह होने हैं, वो खास ईस्टर्न कैटरर्स को कॉन्टेक्ट करें और आप इनके पास आइए और आपको एक एक्सक्लूसिव जो है सारा पैकेज जो है वो दिया जाएगा। क्या बात है, मेन्यू में लस्सी है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो लस्सी ना मिले। वो कहते हैं ना असी तुसी पियेंगे लस्सी, तो लस्सी ना मिलेगी। और आपने नहीं नहीं मैं स्लो नहीं हुआ, मैं तो सिर्फ सुना रही हूं खानों के नाम। अच्छा, वैसे मैं इनसे एक्सपेक्ट करती थी कि ठंडी बात ही करेंगे, है ना। अच्छा जी, वक्त हुआ चाहता है कि मैं आपको वक्त के लिए भेजूं, और वक्त के बाद जब आप वापस आएंगे हम आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। क्यों? बात ठीक है, जब आप वापस आएंगे तो देखेगा ना, इनको भगाने के लिए हमें भी कहीं भागना पड़ रहा है, जाइएगा ना, लस्सी है। अच्छा, अरे ऐसी पियेंगे लस्सी बोल दिया ना, ठीक है, चलिए मिलके बोलिए। आप सबको ईद का रोज, अरे रोज तो का इनका, इनका रोज तो दो इनका। आप बोले, मैं आपकी डबिंग कर रहा हूँ। आप सबको ईद का रोज मुबारक हो।
का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार, ना तेरा है ना मेरा है, ये सबका है त्योहार।